आप हमेशा यहाँ के हैं और आगे यहाँ के रहेंगे। तो कभी कभी भावावेश में आदमी ऐसा कदम उठा लेता है जब बाद में पछताने के सिवा कुछ और नहीं रहता है। और किसी भी समस्या का एक ही रास्ता है, बातचीत। जब लड़ लेते हैं तब भी फिर बैठते हैं, बातचीत करते हैं। कोई घटना घटित हो जाती है, बाद में कार्रवाई होती है, फिर शांति। तो कुल मिलाकर शांति बनाए रखना, आपस में बातचीत करते रहना ही हमारा सर्वोपरि काम है। उस समय हो सकता है कि अफवाहें तरह तरह के समाज में व्याप्त हो जाए। कोई कह दे कि इस्लाम नगर में अटैक हो गया, कोई कहे कि नहीं नहीं राजीव नगर में हो गया है, कोई फला धर्म स्थल पर चढ़ गया। आप जानते हैं कि तरह तरह की अफवाहें फैलती रहती है। अफवाहों के संबंध में ही आपको मैं बता दूं, बच्चा चोरी का अफवाह आपने बीच में सुना होगा। सबके सामने मैं स्पष्ट कर दूं कि इस जनपद में एक भी बच्चा चोरी की घटना नहीं हुई थी, एक भी अफवाह स्वरूप भी बच्चा चोरी की एक भी घटना नहीं हुई थी। और जनपद में बच्चा चोरी को लेकर के मारपीट की 17 घटनाएं हो गई थी। क्या है ये, क्या है ये अफवाह? हमने आपने कहा, मैंने तत्काल उसको मान लिया। एक बार भी ये नहीं सोचना कि उस महिला का कसूर सिर्फ इतना है कि वो थोड़ी मंद बुद्धि है। उसका सिर्फ कसूर इतना है कि उसने थोड़ा खराब कपड़ा पहना है, वो ठीक ढंग से बात नहीं कर पा रही है, उसको बच्चा चोर मान लिया। उस आदमी का इतना ही कसूर है कि उसके ऊपर जो कपड़े हैं वो थोड़े गंदे हैं, मैले कुचैले हैं, वो ठीक से अपनी बात नहीं कर पा रहा है, उसको बच्चा चोर मान लिया और उसके साथ पीटना शुरू कर दिया उसको। जनपद में 17 घटनाएं हुई इस तरह से, और प्रदेश में न जाने कितने लोगों की जाने चली गई। किस लिए? सिर्फ अफवाह के आधार पर। एक भी बच्चा चोरी की घटना नहीं, अफवाह। तो ये तो छोटी सी चीज थी। धर्म तो आपके सभी की आस्था से जुड़ा हुआ है। इस अफवाह पे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इस अफवाह पे तो कुछ भी हो सकता है कि साहब वहां फला जगह अटैक हो गया, फला के घर में घुस गया, फला की दुकानें तोड़ दी गई। तो इस ऐसे अफवाहों पे अगर बिना परीक्षण किए आप अगर कुछ स्टेप उठाएंगे तो आप अपना जीवन संकट में डालेंगे, अपना फ्यूचर संकट में डालेंगे, अपने परिवार, अपने गांव मोहल्ले का अपना फ्यूचर संकट में डालेंगे। तो हमारी ये जिम्मेदारी थी कि आप कौन पहले से सजग कर दे, सतर्क कर दे कि शासन इस बात को लेकर अत्यंत कठोर है, कित संकल्प है कि इस निर्णय को के पश्चात हमारे समाज में कोई कटुता नहीं व्याप्त होगी, कोई अप्रिय कदम हम नहीं उठाएंगे, हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे पड़ोस में हमारे बगलगीर को कोई तकलीफ हो। हम उत्साह में आके नारा लगाते हुए कहीं और नहीं पहुंच जाएंगे, या हम दुख में आकर, हम आक्रोश में आकर के किसी के यहां अटैक नहीं कर देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये ध्यान रखना आप सबकी जिम्मेदारी है। इसी बातों को लेकर यह मीटिंग बुलाई गई है। मैं चाहूंगा कि आप सबसे भी इस संबंध में आप अपने विचार रखें, कोई सुझाव हो, कोई समाधान हो, या कुछ भी आप अपनी बात रखना चाहते हो तो आप जरूर इस संबंध में अपनी बात रखें, ठीक है? मैं अगर चाहूंगा कि आप में से अगर इस बात को लेकर कोई